बख्शी का तालाब विधानसभा से इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ। कांग्रेस के प्रत्याशी ललन कुमार यहाँ पर मेरे साथ हैं और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर प्रियंका गांधी भी आने वाली है और उनके साथ मिलकर डोर टू डोर कैंपेनिंग यहाँ पर करेंगे। तो ललन जी, यहाँ पर इस जगह के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर कोई एक वर्ग अगर वोट कर दे इकट्ठा होकर तो वो जीतता है, यानी जाति के आधार पर वोट हो जाए, और आप कह रहे हैं लगातार कि जाति पर नहीं काम पे वोट दो, आपको लगता है ये बदल पाएगा? देखिए, बख्शी के तालाब विधानसभा की बात करें तो मौजूदा जो विधायक है पिछले 5 वर्षों से लापता है, और जो 2017 में यहाँ कमल का फूल था, 2022 में यहाँ गुल्लर का फूल बना हुआ है। तो हमने काम किया है जो कोरोना महामारी से लेकर के अभी तक आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे, आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पे, यहाँ की जनता के दुख में हम हमेशा साथ रहे और आगे भी रहेंगे। और यहाँ तक कि मैंने स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करवाई है, लोगों के लिए घर बनवाया है, तमाम ऐसी सुविधाएं मैंने बख्शी के तालाब विधानसभा की जनता को दिया है, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ की जनता जब वोट करने जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे वोट करेगी। आपको लगता है कोरोना यहाँ पर मुद्दा है, लोग भूल तो नहीं गए हैं कि क्या हुआ था? देखिए, लोग भूले नहीं है, जिन लोगों ने अपनों अपनों को खोया है आज भी उन्हें याद है वो मंजर, वो दिन जब उन ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। ऐसे समय में मैंने ऑक्सीजन उनको देने का काम किया फ्री में, जहाँ पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं थी वहाँ सैनिटाइजेशन देने का काम किया, अस्पतालों में बेड की कमी हो रही थी वहाँ पे हमने अस्पतालों में बेड दिलवाने का काम किया। बख्शी के तालाब विधानसभा की जो जनता है ये समझ चुकी है कि आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी का विधायक होने जा रहा है, और 2 लाख मतों के साथ बख्शी के तालाब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का विधायक बनने जा रहा है, और यहाँ की गरीब मजदूर किसान परेशान जो वर्ग हैं, यहाँ की जो जनता है, मेरे युवा साथी हैं, मेरे माताएं बहनें हैं, उनका सेवक बनने जा रहा है। लगातार जो है योगी आदित्यनाथ हो, वो लगातार हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे हैं, दंगा बार बार याद दिला रहे हैं लोगों को, 80-20 कर रहे हैं। आपको लगता है कि जहाँ पर हिंदू मुसलमान करा के पोलराइजेशन कराने की कोशिश हो रही हो, वहाँ पर काम की बात करके आपका कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, बख्शी के तालाब विधानसभा में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे अपने लापता विधायक को ढूंढने के लिए, 2000 की भी संख्या नहीं थी। अब बात बताइए कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो बख्शी के तालाब विधानसभा में इंटर कॉलेज में उनका प्रोग्राम लगा, 2000 की भी संख्या नहीं थी। अगर वो 5 साल काम किए रहते तो लाखों की भीड़ होती। और जहाँ तक रही बात कि 80-20 की बात कर रहे हैं, तो बख्शी के तालाब विधानसभा की जो 80% जनता है, जो गरीब है, मध्यम वर्ग हैं, जो दलित है, पिछड़ा अति पिछड़ा, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि आने वाले समय में हाथ के पंजे पे बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी का विधायक होने जा रहा है। ठीक है, तो युवा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्यों कांग्रेस से जुड़ेगा? देखिए, युवा साथी जो है हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा परेशान है, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे अगर वो परीक्षा भी देते हैं तो उनकी परीक्षाएं रद्द हो जाती है,